पर फाते हैं, अबलीस पर फाते हैं, बदरूहों पर फाते हैं। फैसला
खुदा का कलाम बयान करता है, लिखा हुआ है कि वो भलाई करता और उन सबको जो अपलीस के हाथों से जुलम उठाते थे शिफा देता। फिर मेरे चीजों अगर हम इस आयत को तजियाती तौर पर देखें तो यहाँ पे दो बातें हमें बड़ी क्लियरली नजर आती है कि खुदा का कलाम एक तरफ खुदा के किरदार को बयान करता है, खुदा के कैरेक्टर को बयान करता है, खुदा की मोहब्बत को बयान करता है, खुदा की शफात को बयान करता है, और दूसरी तरफ अबलीस की बातों को बयान करता है, अबलीस के जुल्म को बयान करता है, उसके कैरेक्टर को बयान करता है कि वो क्या है। पाकराम के अंदर आपको याद ही होगा हमने लास्ट संडे सीखा था कलाम मुकद्दस में से कि बाइबल के खुदा का इंट्रोडक्शन ये है, क्रूज की किताब 34वां बाद छठी है, खुदावंद खुदावंद खुदाए रही शफकत और वफा में गनी है, भलाई करने वाला खुदा है, भला खुदा है, खुदा का कलाम बयान करता है, खुदा उनका शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अवधि है। लेकिन अबलीस के बारे में लिखा हुआ है मुकद्दस योहन्ना की जीत जब हम पढ़ते 10वां बाब 10वीं आयत लिखा है, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हराम करने को, मगर मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। खुदा का बेटा जिंदगी देने के लिए आया, मगर अबलीस आता है जुल्म करने के लिए, चुराने के लिए, मार डालने के लिए और तबाह बर्बाद कर देने के लिए, नष्ट कर देने के लिए। और अगर आज आप पूरी दुनिया को देखें तो कलाम कहता है कि सारी दुनिया शरीर के कब्जे में पड़ी हुई है, और वाकई ये हकीकत है। आप जानते हैं कि बाकी अंदर से ये शरीर ने इस जाल में सारा काम खराब कर देने की कोशिश की थी, वहां पर इसने सारा कुछ चुराने की, उनको मार डालने की और हलाक कर देने की कोशिश की थी। मेरे जीतो जब हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह के कैरेक्टर को तो खुदा का कलाम बयान करता है यीशु मसीह का कैरेक्टर भलाई का कैरेक्टर है, आजादी का, खुशी का, शादमानी का, रिहाई का, निजात का और हमेशा की जिंदगी का कैरेक्टर है। जब हम मुकद्दस लूका की इंजील उसका 4:18 पढ़ते हैं तो खुदा का कलाम बयान करता है जिस तरह से यहां पे लिखा हुआ है कि किस तरह से यीशु मसीह को रूह कुदस से मसा किया, वहां पर लिखा है खुदावंद का रूह मुझ पर है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, खुदावंद का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया, उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बहनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुछ लोगों को साथ करूं और खुदावंद के सारे मकबूल की क्या करूं, बनाती करूं। तो मेरे जीवन से पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह को खुदा ने भेजा ही इसलिए था कि वो लोग जो साल हर साल से सदियों से जमानों से कर्णों से अबलीस के नरके में थे मेरे जीतों, उनको छुड़ा सके जो उन पर जुल्म करता था। आज मेरे जीतों कलाम मुकद्दस बिल्कुल सच्चा है कि चोर नहीं आता, अबलीस नहीं आता, शैतान नहीं आता, तुम्हारा मुखालिफ नहीं आता, मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने के लिए, मगर मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। आप इन अल्फाज को अक्सर सुनते रहते हैं, आज हम डीपली देखेंगे कि जब खुदा का कलाम कहता है कि चुराने से क्या मुराद है, मार डालने से क्या मुराद है, हलाक कर देने से क्या मुराद है, तो मेरे चीजों खुदा का कलाम बयान करता है कि हमारा दुश्मन ये जो मुखालिफ है, जो खुदा का भी दुश्मन और मुखालिफ है, कलाम बयान करता है ये मामूली नहीं, ये चुराना चाहता है, ये जान से मार देना चाहता है, और फिर खुदा का कलाम बयान करता है कि मुकम्मल तौर पर उसकी हड्डियों को बखेर देना चाहता है, तबाह बर्बाद कर देना चाहता है, इसको नबूद कर देना चाहता है, नामों निशान तक मिटा देना चाहता है, ये इतने बुरे मंसूबे लेकर जिंदगियों के अंदर आता है। लेकिन हम खुदा की शुक्र गुजारी है। आज जैसे मैंने उस बहन का जिक्र बताया कि देखें आप जरा इमेजिन तो करें कि एक बंदे को तो बेटी को शुरू सारा दिन से ही पकड़ लिया जाए और उसकी आवाज ना निकलने दी जाए और वो बेचारी चीखती रहे, चिल्लाती रहे और आवाजें देती रहे, खुदा का कलाम बयान करता कितना बड़ा जुल्म है। कितने कितने सालों तक, 14 साल तक वो बहन जो उसमें सजीयत का शिकार थी, खुदा का कलाम बयान करता है, खुदा की कुदरत काम करती है, लोगों को आजाद करती है, जुल्म करता है। और आज हम कलाम मुकद्दस में से अबलीस के तबाह कारियों को देखते हैं तो कलाम मुकद्दस में से पहली बात बयान करता है कि वो चुराने के लिए आता है। वो क्या करने के लिए आता है, चुराने के लिए आता है, जो नेमते बरकते बख्शे जो खुदा ने आपको दी हुई है वो उनको आपसे छीनने के लिए आता है, वो लूटने के लिए आता है,
कलाम मुकद्दस बयान करता हूं हमारे शख्सी हमारे खानदानी हमारे एशियाई और मशरकी हुस्न को बगाड़ देना चाहता है। खुदा के पाक के नाम में लिखा, आपको पता है पाक के नाम के अंदर लिखा है खुदा ने इंसान को किसकी सूरत और शक्ल पर बनाया था? अपनी सूरत और शक्ल पर बनाया था। और इब्लीस तो ये बात अच्छी नहीं लगती, वो खुदा के बेटे बेटियों को खूबसूरत नहीं देख सकता, उन्हें फटते हुए नहीं देख सकता, वो उनके चेहरों को रोशन नहीं दे सकता, वो बिगड़ा हुआ देखना चाहता है। इसलिए खुदा का कलाम बयान करता है इस हुस्न को, इस खूबसूरती को, इस शताब्दी को उनके चेहरों से, उनके खानदानों से, उनकी जिंदगियों से छीन लेना चाहता है। खुदा का पाक कलाम बयान करता है, कलाम मुकद्दस में इसकी एक बड़ी जबरदस्त मिसाल है, मुकद्दस लूका की इंजील उसका 18वां बाब। पाक कलाम के अंदर मुकद्दस लूका की इंजील उसका 13वां बाब 13वीं से 10वीं आयत में खुदा का कलाम बयान कर रहा है कि कुबड़ी औरत का वाक्य लिखा है, एक और कुबड़ी है, और खुदा का कलाम कहता है कि इब्लीस ने उसे 18 साल से झगड़ा हुआ था, पकड़ा हुआ था। खुदा का कलाम ये बयान करता है वो कुबड़ी हो गई थी और किसी भी तरह से सीधी नहीं हो सकती थी। खुदा का कलाम बयान करता है इस इब्लीस ने, इस जालिम ने उस औरत का, उस बेटी का हुस्न बिगाड़ दिया था, उसकी खूबसूरती को बिगाड़ दिया था। आपको पता है कि अगर किसी को पता लग जाए कि हमारी बेटी के साथ बदरूह का मसला है तो कौन रिश्ता करेगा, कौन से अपने घर में बुलाएगा, कौन से प्यार करेगा, कौन से पसंद करेगा? और अगर वो बेटी खूबसूरत भी हो, जाज़बे नजर भी हो, उसका चेहरा बहुत अच्छा भी हो और वो काबिल भी हो, खुदा का कलाम बयान करता है कि अगर वो कुबड़ी हो गई है कौन से पसंद करेगा, कोई उसे पसंद नहीं करेगा। इसका मतलब है इब्लीस ने उसके शख्सी हुस्न को, उसके खानदानी हुस्न को, उसके माशरती हुस्न को भी बिगाड़ के रख दिया था और वो 18 वर्ष से जुल्म बर्दाश्त कर रही थी। अंदाजा करें अगर हमारे जवान बेटे और बेटियों को इब्लीस अपने दंगे में कर ले, उनके हुस्न को, उनकी खूबसूरती को बिगाड़ दे तो उनका क्या बनेगा। आज मेरे जीजो बड़ा दुख है, बहुत दुख है कि बहुत सारी बेटियां बेटे इब्लीस के इसी नशे के अंदर हैं, वो रूहानी तौर पर दुबड़ हो चुके हैं, वो रूहानी तौर पर बिगड़ चुके हैं, तबाह हो चुके हैं, उनका अखलाकी हुस्न जाता रहा है, दुआबंदगी से उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि वो किसी जालिम के मरके में है, किसी के और पंजे में है। रात जब मैं जिस वक्त दुआएं करता हूं तो एक फैमिली का फोन आया, हमारे अजीज भी है, तो उन्होंने कहा कि उनका बेटा है तो वो जहनी तौर पर वैसे सेहतमंद है, ठीक है, किसी जॉब के सिलसिले में किसी जगह गया था, वो जॉब उसको नहीं अच्छी लगी, वापस आ गया, लेकिन वो ऐसे लगता है जैसे सही तौर पर फ्रस्ट्रेटेड सा हो गया, ठीक है, वैसे सिर्फ याद ना दुरुस्त है लेकिन बहुत अपसेट है, तो आप दुआ करें खुदा मेहरबानी करेगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, खुदा ठीक कर देगा, सेहत भी अभी देगा, तंदुरुस्ती देगा। दुआ करना शुरू की, खुदा की शुक्रगुजारी की, मजामी का कुछ हिस्सा पड़ा, दुआ करना शुरू की, खुदा के रूह को पकारा, यीशु मसीह के नाम को लिया। और जब दुआ खत्म की तो फिर मैंने उससे पूछा तो उस लड़के के लफ्ज जरा सुनने, उन्होंने कहा हाँ जी बादशाह हूं मैं खुदा वर्गा हो गया, और मैं खुदा वर्गा हो गया। तो पहले तो बाला साहब कह रहे थे कि किंता कि मेरा सिर गया, मेरा जेल मेरा बहुत पाई है, मेरा प्रेज द लॉर्ड, जोरदार तालियां रखा खुदा के लिए। 18 वर्ष से इब्लीस ने इस बेटी को पकड़ा हुआ था और कुबड़ा कर दिया था, खुदा का कलाम कहता है उसके हुस्न को, खूबसूरती को बिगाड़ दिया था। खुदा का पाक कलाम बयान करता है खुदा यीशु मसीह के पास आई और खुदा यीशु मसीह ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा कि ऐ बेटी आज अपने आप इस कैद से, इस गुनाह से, इस बदी से, इस जुल्म से छूट गई है। उसी दम खुदा का कलाम बयान करता उसका कुबड़ा पान जाता रहा। कितनी खूबसूरत बात लिखी है पतरस रसूल में कि वो भलाई करता और उन सब को जो इब्लीस के हाथों से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा छुड़ाता है। मेरे जीजो खुदा का कलाम बयान करता अपनी जमीनी खिदमत में खुदा यीशु मसीह शहर बा शहर गांव बा गांव घर घर गए मेरे जीजो और खुदा का कलाम कहता है जितने लोग इब्लीस का जुल्म उठाने वाले थे उन सबको आजादी थी। सो पहली बात हमें क्या पता चली, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 10वां बाब 10वीं आयत, इब्लीस नहीं आता मगर चुराने के लिए। तो बच्चों अपने ईमान की हिफाजत करो,
अपने कलाम की हिफाजत करो, अपनी खूबसूरती की हिफाजत करो, अपनी सदियों की हिफाजत करो, संभालो अपने आप को, कोई आपको चुराने के लिए आता है। और आपके पास बहुत नाम है जो सब नामों से आ रहा है, मैंने तुम्हें इख्तियार दिया हुआ है, सांपों और बिच्छुओं को कुचल दो, दुश्मन की सारी कुवत पर खाना बांटाओ, तुम्हारे पांजे को खोल नहीं सकता, खोले को कोई बांध नहीं सकता। जो अबलीस से जुल्म उठाते थे उन सबको शिफा देता फिरा, वो आज भी ऐसा करने की कुदरत रखता है। दूसरी बात, खुदा का पाक कलाम बयान करता है, मुकद्दस यूहन्ना फरमाते हैं कि वो नहीं आता मगर मार डालने को। क्या नहीं आता? जिक्र मार डालने को आता है, मारने आता है। आपको पता है भाग्य के अंदर इसने ही झूठ बोल दिया। कलाम बयान करता है कि खुदा ने कहा जिस रोज तुमने वो ममनुआ फल खाया तुम मर जाओगे, इसने कहा तुम नहीं मरोगे, इसने कहा तुम नहीं मरोगे। और जब इसके कहने पर उन्होंने कान लगाया और फिर उसका नतीजा क्या हुआ? खुदा का कलाम सच्चा ठहरे और आने का आदमी झूठा। खुदा का पाक कलाम बयान करता है खुदा की नाफरमानी करने की वजह और इसके नलगे में आने की वजह से, इस जुल्म का शिकार होने की वजह से आदम और हवा पहले रूहानी तौर पर और फिर खुदा का कलाम कहता जिस्मानी तौर पर मर गए। और आज हर मुल्क के अंदर, हर गांव के अंदर, हर शहर के अंदर, हर कस्बे के अंदर कब्रिस्तान इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं है, वो मार डालने के लिए आता है। आपको पता है कुरान मुकद्दस में जब हम अय्यूब की जिंदगी का वाक्य पढ़ते हैं तो वहां पर हमें ये नजर आता है कि देखिए ये घरानों को खानदानों को कैसे ताकता रहता है, देखता रहता है, उनकी टो में रहता है। लिखा है कि शेर गोबर की तरह से जो है वो फाड़ना चाहता है। खुदा का कलाम बयान करता है कि पाक कलाम के अंदर लिखा है कि अय्यूब के सारे खानदान उनको तबाह बर्बाद कर देता है, बेटे बेटियां मर जाते हैं, सारा कारोबार तबाह हो जाता है, माल मवेशी जाते रहते हैं, यहां तक उसके बदन की बारी भी आ जाती है, ये उसको भी बीमारियां लगा देता है। अंदाजा कर ले कि मरीज हमें तबाह करने के लिए बीमारियों को भी इस्तेमाल कर सकता है, मार डालने के लिए, ये मारना चाहता है, खुदा जिंदगी देना चाहता है, बचाना चाहता है, यीशु जिंदगी का बादशाह है। खुदा का पाक कलाम बयान करता है, पाक कलाम के अंदर वहां पर भी हमें यह इशारा मिलता है कि देखिए किस तरह से इसने उनको मार देने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी जबरदस्त बात हमें मिलती है कि ये पहले इंटर क्यों नहीं हो सका उसके घर में, बुजुर्ग अय्यूब के घर में ये इंटर क्यों नहीं हो सका, दाखिल क्यों नहीं हो सका? इसने कहा कि अय्यूब के घर के गिर्द फसल की दीवार लगी हुई है, दीवार दुआ की दीवार लगी हुई है, परस्तश की दीवार लगी हुई है, शुक्रगुजारी की दीवार लगी हुई है। जो लोग प्रस्तुत करते रहते हैं, खुदा का कलाम पढ़ते रहते हैं, शुक्रगुजारियां करते रहते हैं, खुदा का कलाम बयान करता है उनके घर के गिर्द फसल की दीवार बनती जाती है जो उनकी हिफाजत करती है। खुदा का कलाम बयान करता है जब पहुंचता है तो सबसे लेकर पांव तक बुजुर्ग अय्यूब को भी जो वो फूलों से भर देता है। लेकिन खुदा का पाक कलाम बयान करता है, इसके बावजूद खुदा का पाक कलाम बयान करता है, खुदा ने कहा उसकी जान महफूज रखी जाएगी, इसलिए वो कहता मैं जानता हूं मेरा मकसद से मेरे वाला जिंदा है, आखिरकार वो लौटेगा, जमीन पर खड़ा होगा और मेरी ही आंखों से देखेगी, ना के बगाने की। खुदा ने उसे बाहर कर दिया। जब हम नए अहदनामे में देखते हैं वहां पर भी हमें एक ऐसा ही वाक्य नजर आता है, जरा तवज्जो से गौर करें, अबलीस मार देना चाहता है, अबलीस मार देना चाहता है। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि पिछली दफा जब हम सैटरडे नाइट को प्रे कर रहे थे अपने घर में, शाम को हम वहां इबादत करते हैं तो वहां पे दुआ कर रहे थे तो एक चर्च से एक जो वो बहन आई, उसने बताया कि उसका भाई जो वो पिछले दिनों से ठीक नहीं और बदरू है, उसको कह रही है हम तुझे ले जाएंगे, हम तुझे मार देंगे, हम तुझे ले जाएंगे, हम तुझे मार देंगे, क्योंकि वो बीमार था तो वो इस बीमारी को ही इस बात के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बेफिक्र हो जाएं, हम यहां से भी दुआ करते हैं, फिर घर में भी आएंगे, ठीक है? तो जब हमने उनके लिए वहां पे दुआ की और फिर जब दुआ के बाद उनके घर में गए, मुकम्मल शाम की शाम मानी उस घर के अंदर प्रेतलाड, इसलिए कि वो सारी चीजें दफा हो चुकी थी। खुदा के नाम की ऐसी कुदरत है, वो मार देना चाहता है। खुदा का कलाम बयान करता है कि जो भेड़े मेरे गन्ना की है, जो मेरे हाथ में उन्हें कोई मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। अगर आप ईमान की रूप से मसीह के ताबे हैं तो
कोई आपको चुरा नहीं सकता, कोई आपको छीन नहीं सकता। खुदा के कलाम में मुकद्दस मरकज की नील के 9वें भाग में उस मिर्गी वाले बच्चे का, गूंगी रूह वाले बच्चे का वाक्य है। खुदा का पाक कलाम बयान करता है कि उसका बाप जो है वो पहले शागिर्दों के पास और बाद में खुदावंद यीशु मसीह के पास उस बच्चे को लेके आता है। और खुदावंद यीशु मसीह पूछते हैं कि इसको ये बीमारी कब से है। उसने कहा उसे बचपन से, और आगे उसने कहा उसने अक्सर उसे आग और पानी में डाला है ताकि उसे हलाक करे। आग और पानी में डाला है ताकि उसे क्या करे, हलाक करे, उसे मार दे, उसे मारना चाहता है, कहता हलाक करे। और खुदा का कलाम बयान करता है मेरे जीजो जब यीशु मसीह के पास उस बच्चे को लाया गया, यीशु मसीह ने लिखा है उस नापाक रूह को छिड़कर यीशु ने उससे कहा ऐ गूंगी बहरी रूह मैं तुझे हुक्म करता हूं इसमें से निकल आ और इसमें फिर कभी दाखिल ना हो। खुदा का कलाम बयान करता है उसी का उसी वक्त वो लड़का उठा, सेहतयाब हो गया, तंदुरुस्त हो गया। और हम आपके जीजस मूवी में बड़ा अच्छा देखते हैं कि लोग कहते हैं इसका तो चेहरा भी ठीक हो गया, इसका तो चेहरा भी ठीक हो गया। पिछले पॉइंट में हमने देखा कि वो बगाड़ देना चाहता था, ठीक है, उसका चेहरा भी बिगड़ गया था, उसका चेहरा भी बिगड़ गया था। कई दफा बदरुओं के केस में हमने ये देखा है कि वो लोग जब बदरुए में वो अजीब अजीब शक्लें बनाती हैं लोगों की, ठीक है, उनके चेहरे को बगाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन यीशु मसीह खूबसूरत बनाता है। प्रे करा जोरदार तालियां हालेलुया। इसलिए क्यों यीशु मसीह खूबसूरत बनाता है, इसलिए कि बनाने वाला हमारा बनाने वाला ही वही है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के पाक कलाम ये बयान करता है उसके बारे में लिखा हुआ है खुदा के पाक कलाम के अंदर कि वो हमारा खालिक है, वो हमारा मालिक है, वो हमारा कुम्हार है और हम मिट्टी की तरह से हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की शुक्र गुजारी, वो टूटे हुए को भी मरम्मत करना जानता है। और मेरे दोस्तों हम सीख रहे हैं कि यीशु मसीह भलाई करता और उन सबको जो इब्लीस के हाथों का जोर उठाते थे शिफा देता, फिर आज भी ऐसा ही करता है। और तीसरी बात जो मुकद्दस की हुन्ना ने कही 10वां बाप 10वीं आयत में वो ये कि इब्लीस नहीं आता, चोर नहीं आता चुराने, मार डालने और हलाक करने को। अक्सर हम हलाक करने और मार डालने के बाद गड़बड़ कर देते हैं और दोनों को एक ही समझते हैं, लेकिन बेसिकली दोनों का मतलब एक नहीं है। मार डालने का मतलब जो है इसका मतलब है टू किल करना, जान से मार देना, ठीक है, और हलाक करना का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना का मतलब। कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि शेर पहले शिकार करता है, खाता है और उसके बाद उसकी हड्डियां इधर उधर बिखेर देता है, ठीक है, उसका नामो निशान मिटा देता, नेस्त कर देता है। इब्लीस के बारे में भी लिखा है वो शेर की तरह से बिखरा फिरता है ताकि ईमानदारों को फाड़ खाए, उनका नाश कर दे, सत्यानाश कर दे। खुदा का कलाम बयान करता है बाइबल मुकद्दस के अंदर एक ऐसा वाक्य जो लोग इब्लीस के हाथों से जुल्म उठा रहे थे उनको शिफा देता फिरा, उन्हें बहाल करता रहा। ग्रासीनियों का इलाका मुकद्दस लुका की जील के आखिर भाग में वाक्य लिखा हुआ है, अगर तीनों ना जील के अंदर है। ग्रामीण मुकद्दस बयान करता है कि वहां पे एक शख्स है पाक कलाम के अंदर, उस शख्स के बारे में जब हम देखते हैं बदरुओं के लश्कर वाला जो शख्स है, आपको पता होगा इसके बारे में, आप जानते होंगे, जब हम इस शख्स से मिलते हैं और इब्लीस की तबाहकारियों को जुल्म को देखते हैं तो जरूर दावा करें। गुलाम बयान करता है कि इस हवाले को पढ़ते ही 27वीं आयत में लिखा हुआ है कि पाक कलाम के अंदर लिखा है कि उसने मुद्दत से कपड़े नहीं पहने। इस शख्स के बारे में लिखा है कब्रस्तानों में रहता, ठीक है, और लिखा है कि मुद्दत से उसने कपड़े नहीं पहने थे। इब्लीस देखे, खुदा का कलाम कहता है, पाक कलाम क्या बयान करता है, जब से इंसान ने गुनाह किया है खुदा का कलाम बयान करता है शर्मिंदगी उसके साथ चिमट गई, उन्होंने चील के पत्ते बना के अपने रंग को ढांपने की कोशिश की। कलाम ये बयान करता है खुदा ने चमड़े के कुत्ते बनाकर उनको दिए, अच्छी सुसाइड दी ताकि वो अच्छे तरीके से रह सके। इब्लीस लोगों को नंगा करना चाहता है, इब्लीस उन्हें शर्मिंदा करना चाहता है। इस शख्स के बारे में लिखा है कि इसे घर से ही उसने बेदखल कर दिया है और मुद्दत हो गई थी, इस शख्स ने कपड़े नहीं पहने थे। आज भी इब्लीस लोगों को शर्मिंदा करना चाहता है, लोगों के सामने उनके किरदार को लोगों के सामने नंगा करना चाहता है, उन्हें गंदा करना चाहता है।
और बड़ी माजरत के साथ कहता हूँ कि आज बहुत सारे चर्चेस में आप देखें कि ऐसा हाल है हमारी ड्रेसिंग का, ऐसा हाल है कि शर्मिंदगी होती है कि वो वालों में लोग बैठे हुए हैं या किसी फंक्शन के अंदर आए हुए हैं। मेरे दिलों ये खुदा की मर्जी नहीं, खुदा का कलाम ये बयान करता है, यादार लबास जो है खुदा की पाक मर्जी है, वो आपको खूबसूरत देखना चाहता है, लेकिन खूबसूरती से खूबसूरत देखना चाहता है। यादार लबास से उसने उसे नंगा कर दिया था, ये इबलीस का मैला सोना उस शख्स के ऊपर था। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि वो घर में नहीं था, उसने उसका घर और खानदान खानदानी रफाकत उस शख्स से छीन ली थी, अपने घर से ही उसे दरबदर कर दिया था, दूर कर दिया था। ग्रामीण का दस बयान करता है उसका दूसरा जुल्म था। तीसरे के बारे में लिखा है कि वो अपने घर में नहीं बल्कि कब्रिस्तान से रहता था। घर जो है ये जिंदगी का नुमाइंदा है और कब्रिस्तान से अपने जो है मौत की नुमाइंदा है। इसका मतलब उसे मार देना चाहता था। क्या कर देना चाहता था? मार देना चाहता था। यार अंदाजा करें कि इसके लिए कितने बुरे मुसीबत लेकर जिंदगी के अंदर आता, कभी भी इसको हल्का ना लें, कभी भी इन बातों को इग्नोर ना करें। वो क्या करता है? उसे मार देना चाहता है। और ग्रामीण मुकदस बयान करता है चौथी बात उसके बारे में लिखी है कि बुजुर्ग उसको बयानों में बयानों में बघाए करते थे, बेघाए करते थे, यानी वो बेचैन रहता था, रेस्टलेस था। उसकी जिंदगी में सुकून और इत्मीनान जैसे नाम की कोई चीज नहीं थी। मेरे मित्रों खुदा का कलाम बयान करता है कि उसे बघाए करते रहती थी। और पांचवी बात उस शख्स के बारे में जो लिखी है मेरे चीजों पाक कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि जब खुदावंद यीशु मसीह का शख्स सामना होता है, खुदावंद यीशु मसीह ने जब उससे नाम पूछा तो उसने कहा कि मेरा नाम लश्कर है, क्योंकि उसके अंदर एक बदरू नहीं बल्कि बहुत सारी बदरूओं का लश्कर था। जरा अंदाजा करें, हम पिछले दिनों जब खुदा के लोगों के हथियारों के बारे में सीख रहे थे तो उस वक्त भी हमने सीखा था कि ये फौजों की फौजें आती हैं, पहले एक आता है और उसके बाद फिर दूसरे लोगों को भी साथ ले आता है। जब एक मौजूद आती है और आप आजाद हो जाते हैं, इबलीस के हाथ से छूट जाते हैं, और जब खुदा के साथ रابطہ नहीं बनाते वो सात बदरुओं को और ले आती है ताकि मुकम्मल तौर पर हमें नेस्त कर दे। लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी हमारा निजात दिंदा है पाप पर कार खड़ा है। पाक कलाम के अंदर जरा इमेजिन करें कि जब बदरुओं ने इस्तना की कि हमें घाघरा में ना डाला जाए, इन सूरों में बेच दिया जाए, और खुदा का कलाम प्यार करता है कि जब सूरों के अंदर वो चली गई तो वो सारे के सारे जो सूअर थे, कलाम ये बयान करता है, कराड़े पर से वहां से गिरे और उस चीज के अंदर गिरकर मर गए, डूब कर मर गए। इबलीस भी अंदाजा करें कि जिंदगी को मारना चाहता था, जिस तरह से वो सारे के सारे जानवर नष्ट हो गए, तबाह बर्बाद हो गए, इस जिंदगी को भी तबाह बर्बाद करना चाहता था। और आप जितने भी जानवर हैं उनमें ये जो सुअर है ये बहुत ताकतवर जानवर होता है, लेकिन खुदा का कलाम कहता है इबलीस का इबलीस के जुल्म को ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और इंसान तो उसके मुकाबले में जो है बहुत कमजोर है। कलाम ये बयान करता है ये उसे मार देना चाहता था। सूरों का गोल जो था वो झील में डूब मरा और इस शख्स के वो अंदर था, इतना ज्यादा जुल्म शख्स पे किया गया। लेकिन मेरे चीजों हमारे लिए खुशखबरी है क्योंकि कलाम में लिखा है कि वो भलाई करता और उन सब को जो इबलीस के हाथों से जुल्म उठाते थे शिफा देता। फिरा खुदा का कलाम बयान करता है उसे आज पता नहीं था कि जिसके साथ आज उसका अमला सामना हो गया है, जो खुदा का कलाम बयान करता है वो मामूली नहीं बल्कि वो लश्करों का रब है। आमीन। खुदा का कलाम ये बयान करता है वो लश्करों का खुदा है, वो रबों का फौज है। खुदा का कलाम बयान करता है, इसलिए मेरे दीदो हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। इबलीस अकेला आ जाए, वो पांच सात आ जाए, वो दस बीस आ गए, वो हजारों लाखों के मजमे में आ जाए, डजन बाय मच कुछ फर्क नहीं पड़ता। खुदा का कलाम कहता है बुजुर्ग मूसा को कहा चुपचाप खड़े होकर खुदा की निजात के काम को देखो, जिन बदरूहों को बर्बाद देखते हो, जिन बीमारियों को बर्बाद देखते हो, जिन नुकसान को बर्बाद देखते हो, जिन नाकामियों को बर्बाद देखते हो, खुले जमीन पर फिर कभी नहीं देखोगे। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। क्या वो ज़बूर में गाते हैं, रब खुदावंद बादशाह है,
ओ जलाल दा बादशाह है, रब गुलाम बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह है? कमाल लश्करां दा रब जहावा जो बादशाह है जलाल दा, ओ बादशाह है जलाल दा। खुदा का कलाम बयान करता है यीशु मसीह ने सारे लश्कर को हुक्म दिया और फिर पौलुस में से निकल गया और खुदा का कलाम ये बयान करता है कि उस शख्स की जिंदगी में सारा कुछ वापस आ गया। तरह तालियां इसका कुछ नहीं कही। सारा कुछ वापस आ गया उस शख्स की जिंदगी में। हमारा नजात नेता क्या क्या खूबसूरत नजात है, क्या बाबर के तो नजात देता है। प्रेज द लॉर्ड। फाते ना अबलीस नहीं आता मगर चुराने, मार डालने और हलाक करने को, मगर मैं इसलिए आया कि वह जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। हालेलुया। कलाम बयान करता है कि चोर लूटने के लिए आता है, चुराने के लिए आता है, और मेरे चीजों हमारा निजात दहिंदा लुटाने के लिए आता है। थके मतो बोझ के तबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। चोर लूटने के लिए आता है, ये लुटाने के लिए आता है, ये वापस करने के लिए आता है, ये देने के लिए आता है, बल्कि ज्यादा देने के लिए आता है। इस शख्स की जिंदगी में जो कुछ उन्हें छीना हुआ था, यीशु मसीह ने सारा कुछ उसे वापस कर दिया। चोर मारने के लिए आता है। लिखा है कि मधुमेह उसे कब्रिस्तान में ले गई थी ताकि मर जाए, खप जाए, किसी ना किसी ने इसी झील के अंदर गिरे और गर्क हो जाए। खुदा का कलाम बयान करता है वो मारने आता है, यीशु मसीह बचाने आता है और छुड़ाने आता है। तुम्हें कोई मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। वो हलाक करने के लिए आता है, तबाह करने के लिए आता है, कम करने के लिए आता है, यीशु मसीह बढ़ाने के लिए, बरकत देने के लिए और कसर देने के लिए आता है। खुदा की शुक्रगुजारी है मेरे चीजों के आज भी वो निजात देता जिंदा। आज भी जो लोग जुल्म उठा रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, उन्हें परेशान होने की और मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसके बारे में 2000 साल पहले लिखा हुआ है कि वो भलाई करता, शफकत करता, बुलाता, बचाता है, आज भी वो इबलीस के हाथों से जुल्म उठाने वालों को बचाने की कुव्वत और कुदरत रखता है। मैंने तुम्हें इख्तियार दे दिया, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया है। सांप और बिच्छू को कुचलो, दुश्मन के सारे कुवत पर गालबा जाओ, तुम्हें किसी चीज से जरर नहीं पहुंचेगा। इसलिए खुदा के साथ, मसीह के साथ अपना राबता मुस्तकिल बनाए, रोजाना बात करें, रोजाना कलाम पढ़े, रोजाना दुआ करें, अपनी इस दीवार को मजबूत करें ताकि अपनी इसके सारे जलते जंजीर बुझ जाएं और यीशु का नाम जलाल पाए। प्रेज द लॉर्ड। खुदा से दुआ के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। आइए